स्वागत है आपका पी के बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास ट्वेल्थ के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट थ्री। और इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। परागकण कहो या लघु बीजाण, पॉलन ग्रेन कहो या माइक्रोस्पोर, एक ही बात है। बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें पॉलन ग्रेन्स को स्टडी किया जाता है, वो ब्रांच कहलाती है पेरिनोलॉजी। पार्ट टू में हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स, ये मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल्स होते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड हैं। और इससे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी वो डिप्लॉइड थी। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स सामान्यतः स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इन पर दो आवरण होते हैं, दो शीत पाई जाती हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कहलाती है एक्जाइन। एक्जाइन क्यूटिन और स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जबकि इनर होती है जो लेयर वो होती है इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज यानी पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है, और ये लचीली होती है। पहले हम जरा पॉलन ग्रेन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो पॉलन ग्रेन होता है इस पर आउटर एक्जाइन और इनर इंटाइन का आवरण होता है। जो एक्जाइन होता है ये स्पोरोपोलिनिन और क्यूटिन से बना होता है। पार्ट थ्री में जब आपको टैपिटम बताया था, तो जो सेक्रेटरी टैपिटम होता है या ग्लैंडुलर टैपिटम, इस टैपिटम में कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनते हैं, वो ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। जब ये प्रोयूबिश बॉडीज टैपिटम की सेल मेम्ब्रेन, टैपिटम की जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पहुंचते हैं, तब इनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन युक्त प्रोयूबिश बॉडीज हैं, अब इन्हें कहते हैं यूबिश बॉडीज। तो ध्यान रखें, प्रोयूबिश बॉडीज में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, जबकि यूबिश बॉडीज में स्पोरोपोलिनिन होता है। एट लास्ट टैपिटम की सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, डिजनरेट होंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ये जो यूबिश बॉडीज हैं ये पहुंच जाएंगी पॉलन सैक में, और पॉलन सैक में पहुंचकर ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स की एक्जाइन के निर्माण में भाग लेंगी। जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कोई भी इसका जैविक अपघटन नहीं होता। फंजाई या बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। एसिड के लिए भी ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, तो लंबे समय तक ये सुरक्षित बना रहता है। चाहे पूरा पॉलन ग्रेन का प्रोटोप्लाज्म नष्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जो स्पोरोपोलिनिन एक्जाइन है ये लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ रॉक से तो 500 मिलियन पुराने पॉलन ग्रेन्स की एक्जाइंस मिली हैं। अगर कहीं पर खुदाई की जाए और वहाँ पर पता चला 200-300 मीटर नीचे पॉलन ग्रेन का एक्जाइन मिल जाए, तो ये एक्जाइन जो है पॉलन ग्रेन का, ये 300 मीटर नीचे कर क्या रहा है? इसका अर्थ है कि कभी यहाँ पर उथल पुथल हुई थी धरती में, जो धरती में ऊपर था वो जमीन के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज हो सकते हैं, यानी जो पेट्रोलियम या कोल्स जो हैं इनके सोर्सेज यहाँ पर हो सकते हैं। यानी अगर गहराई में पॉलन ग्रेन की एक्जाइन मिलती है तो वो इस बात की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है कि आसपास यहाँ पर पेट्रोलियम या कोल का कोई जो रिसोर्स है वो हो सकता है। जो ये एक्जाइन होती है, इस एक्जाइन के आवरण पर कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है,
और अगर होता है तो बहुत पतली लेयर की फॉर्म में होता है। ये प्लेसेस जो हैं एग्जाइन पर वो कहलाते हैं जर्म पोर। जर्म पोर दो तरह के हो सकते हैं। अगर जर्म पोर इस तरह से सर्कुलर है तब तो ये कहलाता है पोर। और ऐसे पॉलन ग्रेन्स जिनमें ये सर्कुलर जर्म पोर होते हैं वो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं पोरेट टाइप पॉलन ग्रेन्स। और कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो ये पोर्स होते हैं जर्म पोर्स ये स्लिट जैसे होते हैं, इलिप्टिकल हो सकते हैं, यानी इसका जो डायमीटर है वो सब जगह एक जैसा नहीं होगा। ऐसे जो जर्म पोर होते हैं वो कहलाते हैं कोल्पस। और कोल्पस टाइप के जर्म पोर वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहलाते हैं कॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? जो एग्जाइन होता है एग्जाइन पर स्पेसिफिक ऑर्नामेंटेशन और होता है, एक सजावटी स्ट्रक्चर और बना होता है। पार्टों में आपने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से चार माइक्रोस्पोर्स बने थे और ये चार माइक्रोस्पोर्स का जो ग्रुप था वो कहलाता था टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड बेसिकली पांच टाइप के होते हैं जिसमें पहला टेट्राड है टेट्राहेड्रल टेट्राड। और टेट्राहेड्रल टेट्राड में चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और ये टेट्राड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है और ये मिलता है कैप्सेला में। दूसरा टाइप जो है टेट्राड का वो होता है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल में चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे की लेटरल साइड्स में होते हैं और इस टाइप का जो टेट्राड है ये मिलता है मोनोकॉट्स में। तीसरा है डिकसेट। डिकसेट टेट्राड में दो टायर्स में, दो लेयर्स में माइक्रोस्पोर्स अरेंज रहते हैं और अपर लेयर के माइक्रोस्पोर्स लोअर लेयर के माइक्रोस्पोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी आप एक डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको केवल तीन ही यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे और ये मिलता है मैग्नोलिया में। चौथा जो टेट्राड है वो होता है टी शेप्ड, जिसमें अपर टू माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये तो लेटरल साइड्स में होते हैं लेकिन जो नीचे स्थित दो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं जिससे टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और ये मिलता है एरिस्टोलोकिया में। नेक्स्ट और लास्ट है लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड में एक सीधी लाइन में चारों माइक्रोस्पोर्स अरेंज रहते हैं और इस टाइप का टेट्राड मिलता है हेलोफिया में। जो माइक्रोस्पोर्स हैं इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताए देता हूँ कि जो फैमिली एक्सलेपियडेसी होता है इसमें कैलोट्रोपिस अकौवा आँख या मदार जिसे बोलते हैं, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हर फ्लावर में 10 चैम्बर्स में पाए जाते हैं। ये चैम्बर्स पेयर्ड होते हैं और ये पेयर्ड चैम्बर्स होते हैं ये कहलाते हैं पॉलिनिया। साथ ही साथ कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है और पॉलन ग्रेन से जो एलर्जी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हे फीवर। और हे फीवर में नाक बहना, आँखों में इरिटेशन होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे पॉलिनेशन और फिर उसके बाद जब अगला पार्ट आएगा यहाँ पर पार्ट फाइव, तो पार्ट फाइव में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट्स का निर्माण। पहले ही आपसे कह चुके थे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें मेल गैमेट्स नहीं मिल जाते। और हाँ, जाते जाते जो माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी पढ़ते ही जाइए।